हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज रीमान इंटीग्रेशन है एंड जो पुराने सिलेबस हुआ करता था या पुराने समय में डबल ट्रिपल इंटीग्रल भी रीमान इंटीग्रल का ही पार्ट हुआ करता था, बट वो बाद में जाके कैलकुलस बना दिए। बट जो डबल ट्रिपल आप पढ़ते हैं वो भी रीमान ही है। रीमान आदमी का नाम था। जो 12th क्लास में इंटीग्रेशन था वो भी रीमान इंटीग्रेशन जो 12वीं क्लास में पढ़ गए हैं। थोड़ा इज्जत कीजिए इनकी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आपका इसमें जो जैम का एग्ज़ाम है इसमें एक से दो क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं, आएंगे ही आएंगे, तो 3 से 4 क्लासेस में आपका पक्का काम हो जाएगा। तीर पूरा खींचेंगे तब जाके निशाने पर लग जाएगा, बीच में छोड़ देंगे, आधा अधूरा करेंगे, कुछ नहीं। तो ये पढ़ने के लिए आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए? जाहिर सी बात है, इंटीग्रल देख के तो दिल धड़क रहा होगा आपका कि डबल ट्रिपल तो नहीं आना। कुछ नहीं आना चाहिए भाई, कुछ नहीं आता आपको तो भी चल जाएगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ज़रा ढंग से कर लेना, आगे काम काम आएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ रीमान इंटीग्रेशन। तो पहले सब कुछ लिख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन। प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन। भाई जरा फटाफट हाथ चलाओ, देखो बहुत सारा है। एसटीबी का मतलब सेट टू बी। रीमान में सब कुछ शुरू होता है पार्टीशन से, ठीक है? लिख लिया होगा, नहीं लिखा कोई बात नहीं, अगला लिखिए। पॉइंट नंबर 2, नो प्रॉब्लम, ये दोबारा लौट के आए। एक बार सारा लिख लो। हाँ जी,
देन अगर कुछ छूट गया है तो चिंता की बात नहीं है, अभी ये बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, इसलिए घबराइए मत। आ रहे हैं अभी, ये इसका कॉन्टिन्यूएशन है, ये इसका है। नहीं ये बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत मज़ेदार, तुम चाह के भी छोड़ नहीं पाओगे इसको, ये अभी अगला 1 घंटा ऐसे होगा, अब चाह के भी मतलब कोशिश भी करेंगे ना छोड़ के चला जाओ टॉपिक, तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग, इधर बाहर लगा हुआ है, डन सब आएगा लौट के, अभी तो डिटेल में करना ही है।
ओके हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स, देखिए भाई तैयार हो जाइए आप। एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको डिटेल में करना पड़ेगा। तो रीमान इंटीग्रल टॉपिक का नाम है अभी, राइट नाउ इंटीग्रल वो वाला डबल ट्रिपल नहीं है, उसको दिमाग से निकालिए, और ट्वेल्थ क्लास वाला भी नहीं है। थोड़े काम करिए, यहाँ एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द टर्म कॉल्ड पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। हाँ जी, ज़रा अपना स्कूल लेवल याद कीजिए या पहले वाला लेवल। अगर एक सेट में आपको 1 2 3 4 दिया है, भैया इधर ध्यान लगाओ, दूसरे सेट में आपको 2 4 3 1 दिया है और आपसे बोला जाएगा भाई इसको देखिए इसको देखिए, आप तो तुरंत कहेंगे दोनों सेम है। इट्स लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो उसके मेंबर्स तो आप लोग हैं। अगर सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाए तो सेट तो नहीं चेंज होगा, तो सेम ईयर, मतलब यहाँ पे आप राइटिंग पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आ रही है, पार्टीशन। इसमें आप राइटिंग पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, क्यों? देखो, P इक्वल टू टी नॉट टी वन डॉट डॉट टी एन इज सेट टू बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी इफ एंड ओनली। दोनों को कस के पकड़ लीजिए। पार्टीशन के लिए क्या चाहिए? पहला कंडीशन, दिस इज योर ए दिस इज योर बी। द कंडीशन नंबर वन इज पार्टीशन पॉइंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। सो दिस इज टी नॉट, ये आपका टी वन है, ये आपका टी टू है, चलता है और लास्ट में आपका टी एन आ जाएगा। और साथ में फर्स्ट पॉइंट ऑफ पार्टीशन इज ए, लास्ट पॉइंट इज यू नॉट। तो ये दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे ये लेस आने की वजह से आप राइटिंग पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, ये दो दो कंडीशंस हैं। तो क्या क्या कंडीशंस हो गई? एक तो ऑर्डर इंक्रीजिंग होना चाहिए, दूसरा बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। बढ़िया। हाँ जी, यहाँ मैं 4 5 पार्टीशंस लिख रहा हूँ, ज़रा मेरे को बताइए इसमें से कौन कौन से पार्टीशन हैं वैलिड 0 10 के। दो कंडीशंस दोनों आपके दिमाग में होनी चाहिए, पहला पहले देखो उसके बाद बात करना। टू कंडीशंस, क्या दोनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है? अपने अपना 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 करिए, ऐसे ही देख के करिए, इसमें इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कुछ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कमर कसके तैयार हो जाइए, कमर कसके तैयार हो जाइए। जी, पहला कंडीशन है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और 0 10 एज ए बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है, तो पी वन इज ए वैलिड पार्टीशन। ये भी वही ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पी थ्री भी हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा जी, इसमें आपका एंड पॉइंट्स नहीं दिख रहे, इसमें एंड पॉइंट्स है लेकिन ऑर्डर गड़बड़ हो गया, तो दिस इज नॉट अ पार्टीशन। देख के आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, तो जैसे पी वन है, पी टू है, पी थ्री है, और भी पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज़, किसी भी इंटरवल के लिए वी हैव इनफाइनेटली मेनी पार्टीशन। पहला सुनना है ज़रा ध्यान से, जैसे अगर बात करें नंबर ऑफ पार्टीशन की, हाउ मेनी पार्टीशन आर पॉसिबल? इनफाइनेटली मेनी पार्टीशन आर पॉसिबल, पी वन पी टू पी थ्री। क्लियर है आप लोगों को? नंबर टू, अब ये इनफाइनेट पार्टीशन में साथ हूँ, क्या आप इससे छोटा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो दोनों तो लेने ही पड़ेंगे। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टीशन ऑफ, हाँ जी नंबर टू देखो, इधर देखो, स्मॉलेस्ट पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी इज द टू पॉइंट सेट। टू पॉइंट सेट लिख रहे हैं, टू पॉइंट सेट। हाँ जी, क्या क्या आएगा उस टू पॉइंट सेट में? बस ए और बी आएंगे। ठीक है जी, और बताइए जरा, लार्जेस्ट इससे बड़ा हो सकता है क्या? अरे बोलो भाई, नहीं हो सकता ना। ओके, लेट मी शो यू, ये आपका पी टू है। इफ आई राइट पी टू स्टार एज, पी टू स्टार इज 0 1 2 2.5 3 4 आप आई थिंक समझ रहे हैं। टेल मी, ओके, ये आपको ये थोड़ा ना बोला था कि पार्टीशन पॉइंट नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, भैया 2.5 भी पार्टीशन पॉइंट ही होगा। अब बताओ कौन से वाला बड़ा है, जल्दी बोलो भैया। पी टू स्टार, कैन यू क्रिएट अ पार्टीशन लार्जर देन पी टू स्टार? यस, 1.1, देयर इज नो लार्जेस्ट पार्टीशन, वो नहीं होता। समझ में आ गया? कितना ही बड़ा लिख दो तुम, अगला बंदा उसमें एक पॉइंट और आराम से ऐड कर सकते हैं। लार्जेस्ट पार्टीशन नाम की टर्म नहीं होती। नो, यस, स्मॉलेस्ट होता है, लार्जेस्ट नहीं होता। लिख लिया ये सब आप लोगों ने? कब लिखेंगे? जल्दी आ चलेगी, अब लौट के नहीं आएगा ये, अगर ये पेज गया तो वापस नहीं आएगा। जल्दी हाथ चलो,
स्मॉलेस्ट पार्टीशन होता है, लार्जेस्ट नहीं होता. एक इंटरवल के पास यू हैव इनफाइनाइटली मेनी पार्टीशंस, और वो पार्टीशन का डेफिनेशन जरूरी याद रखना. ये जगह 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 काम आएगा आपको, खाली रीमान में ही नहीं है, और भी जगह है, बहुत प्लेसेस पे काम आएगा. पार्टीशन पॉइंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड बाउंड्री आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी. सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो उसे पार्टीशन नहीं बोल सकते। नहीं जी, बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते. कोई नया रिसर्चर आएगा, नई डेफिनेशन देगा, पहले उसको वाद विवाद करना पड़ेगा हमसे. क्या आप वाद विवाद में पढ़ना चाहते हैं? नहीं सर। ये कंडीशन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स. सीक्वेंसेस के भी पार्टीशन बना सकते हैं। अभी इंटरवल ही लो, ये हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं. जो इंटीग्रल आपने 12th में पढ़ा था वो होता है ना ए टू बी, तो इंटरवल ही होता है वो, चाहे ओपन हो या क्लोज हो. इसलिए यही लेना पड़ेगा आपको, कुछ और नहीं लेना. पार्टीशन तो आप किसी का भी कर सकते हैं, बट वो उस तरीके से डिफाइंड होना चाहिए. सेट का भी तो हो जाएगा पार्टीशन. बर्फी पूरा बनाते हैं वो हलवाई, पार्टीशन ही तो करते हैं. आ गया ना मुँह में पानी. नहीं, सबने ही खाई होगी. बिल्कुल, पार्टीशन किसी का भी हो सकता है. यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो देख लीजिए. अभी पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल में बात कर रहे हैं. हाँ जी, हो गया. ये चीज़ याद रखिएगा, एक इंटरवल के पास कितने पार्टीशन पॉसिबल हैं? इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट पार्टीशन. सबसे छोटा पार्टीशन तो आपने देख लिया, बट लार्जेस्ट नहीं हो सकता. आप कितना ही बड़ा, कितने सारे पॉइंट्स लगा दो, अगला उसमें एक पॉइंट और इंसर्ट कर सकता है, हमेशा कर सकता है. डन डन, नेक्स्ट थिंग. अब जो आपको बताया गया था भाई, वो डायग्राम देखो, परमानेंट होने वाला है ये. दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, सब सामने देखिए. दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी. जी, इसमें एक ही जगह टी नॉट है, यहाँ आपका टी एन है, एंड इन बिटवीन यू हैव टी वन टी टू, करते करते आपका पूरा ऐसे चल रहा है. अच्छा, आगे जाने से पहले, वैसे तो मैं इरेज नहीं करना चाह रहा था, चलिए यहाँ जगह है. यस, आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. पार्टीशन चल रहा है तो ये कर ही लेते हैं, फिर तो रह ही जाएगा. हाँ जी, अपने दिल से पूछ के बताइए. डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट टू, डिस्टेंस जरूरी तो नहीं है ना बराबर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है. तो जहाँ जहाँ पार्टीशन पॉइंट्स में इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं इक्वी पार्टीशन. इक्वी पार्टीशन, यू नो व्हाट इज इक्वी पार्टीशन? भी देखो पहले, पी इक्वल टू टी नॉट टू टी एन इज एन इक्वी पार्टीशन. दिस इज इफ एंड ओनली, यस. भी देखिए पहले, देखिए, कोई बात नहीं. इज इट क्लियर? लैंग्वेज तो समझ में आ रही होगी. व्हाट इज दिस लेंथ? टी वन माइनस टी नॉट. व्हाट इज दिस लेंथ? टी टू माइनस टी वन. तो लेंथ बराबर होनी चाहिए, वो देख लीजिएगा. अभी करेंगे इसको, अभी रुको, अभी लिखो नहीं. हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए लिखो नहीं, ये नहीं लिखो. ऑल ऑफ यू प्लीज सी, बस दिया था एग्जाम्पल. हाँ जी, पहले वाले का लेंथ 5 है, अगले का भी 5 है, दिस इज एन इक्वी पार्टीशन. नहीं, दिस इज नॉट इक्वी पार्टीशन. पहले वाले का लेंथ बताइए, यस. अगला तो ये इक्वी पार्टीशन नहीं है, पी वन पी टू. अभी देखते रहना. इज इट? यस इट इज, इट इज. इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को, आप इसके साथ साथ. हाँ जी, डोंट राइट. ना ना ना, यू डोंट हैव टू राइट. हाँ जी, यहाँ एक नया डेफिनेशन डिफाइन हो रहा है, ये वेक्टर स्पेस वालों को तो मजा ही आ जाएगा. क्या लिखा हुआ है? नॉम पी. व्हाट इज नॉम पी? नॉम, एन ओ आर एम, नॉम. नॉम पी कहिए या मैश कहिए, मैश आलू मैश करके पराठा खाते हैं ना, या डेल पी कीजिए. तीनों तीनों नोटेशन सेम है. क्या होता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ अ सब इंटरवल. भाई अभी लिखना नहीं है ये सब, अभी देखो पहले.
क्योंकि ये इससे भी बढ़िया नोटेशन आएंगे। अरे ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का मैक्सिमम है, जो आपका जो भी लेंथ ऑफ द सब इंटरवल है, तो ये और थोड़ा अच्छा नोटेशन करते हैं, डोंट हैव टू राइट। पहले देखो यहाँ, यस लेट एफ बी बाउंडेड इन ए बी एंड पी इज अ पार्टीशन ऑफ ए बी, द फॉलोइंग शुड बी नोटेड। ये पूरे सिलेबस में आता रहेगा और आता रहेगा, पहला वाला नोटेशन। यस आइए जरा साथ में, पहले वाले सब इंटरवल का लेंथ को नाम कायदे से होना चाहिए था टी वन माइनस टी नॉट। अब उन्होंने बोला कौन इतना झंझट ले यार, ये माइनस माइनस बोला डेल बुला दीजिए। पहले वाले का लेंथ है डेल टी वन, अगले का लेंथ है डेल टी टू एंड लास्ट वाले का लेंथ हो जाएगा आपका डेल टी एन। ये तो अच्छा नोटेशन है, बहुत बढ़िया नोटेशन है। तो वट इज डेल टी के लेंथ ऑफ द के सब, अब सब आपने सबने लिख लिया है, डेल टी के इज लेंथ ऑफ द के सब इंटरवल। अभी मत लिखो, अभी देखो यहाँ वट इज समेशन डेल टी के, उससे भी पहले डेल टी वन। भैया ये अपने आपको समझाइए, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। डेल टी वन लेंथ ऑफ फर्स्ट सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सेकेंड सब इंटरवल, लेंथ ऑफ क्या होगा बाद में सोचना। डेल टी टेन लेंथ ऑफ टेंथ सब इंटरवल, दसवां। अच्छा अगर हम इन सारे लेंथ्स को ऐड कर देंगे तो ए बी का ही तो लेंथ आएगा, टी माइनस है। नहीं ये ऐसे नहीं याद करना है भाई, ये इसको तो आपको ऐसे करना चाहिए। हम बैठ के याद कर रहे हैं, क्या क्या याद करेंगे, डेल टी के डेल टी वन, डेल टी टू, डेल टी थ्री, लास्ट में क्या आएगा डेल टी एन। जी वो पहले वाला क्या है, हाँ टी वन माइनस टी नॉट, अगला बताइए टी टू माइनस टी वन, नेक्स्ट वन शुड बी टी थ्री माइनस टी टू। ये तो पेयर में कैंसिल ही हो रहा है, बस लास्ट वाला बच जाएगा। आप ही देख लीजिए जरा क्या आएगा, अभी देख लेते क्या आएगा। इन दोनों में से आपका क्या गया, टी वन गया, इनमें से टी टू गया, बाद वाला जा रहा है, तो यहाँ से टी एन माइनस वन चला जाएगा। वी एंड अप विद दिस एंड दिस, सो वी एंड अप विद टी एन माइनस टी नॉट। व्हाट इज टी एन बी, वो तो यही आना था भाई, क्या आना था, रुको भाई यही कहाँ गया। पहला पेज आप सबके लिए, इक्वी पार्टीशन पी इक्वल टू टी नॉट टू टी एन इज एन इक्वी पार्टीशन इफ एन ओनली। अब ये नहीं लिख करके, ये ज़्यादा बढ़िया नोटेशन है ना, तो ये क्यों ना लिखें, आप समझ में भी आ रहा है आपको, दोनों सारी लेंथ बराबर होनी चाहिए। यहाँ क्या लगेंगे, मैक्सिमम ऑफ डेल टी के, नो मींस लेंथ कह सकते हैं, बट यहाँ तो आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सब इंटरवल। जरा पहले वाले में बताइए नॉर्म क्या आएगा, बोलो महानुभावो जी। इसका लेंथ, इसका पहले वाले का, पहले फर्स्ट सब इंटरवल का लेंथ 5 है, दूसरे का भी 5 है, तो 5 आ गया। प्लीज़ याद रखिए ये 5, ये वाला 5 नहीं है, लेंथ 5 है, ठीक है ना, ठीक है। पी टू, हाँ जी लेंथ लेंथ लेंथ। अब भाई ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिए कि वो बच्चों की तरह पढ़ाया जाएगा आपको कि पहले वाले का इतना है, दूसरे का इतना है। कितना आएगा भाई, 6 आएगा, इसमें 1 1, लास्ट वाले में 10। चलिए कॉपी कीजिए, कहाँ तो लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट। हो गया रीमान इंटीग्रेशन का शुभारंभ। आई जे नहीं, यहाँ पे आपको के जे लिखना चाहिए, के जे है ना, आई तो है नहीं। लास्ट में डेल भी लिखा है, डेल डेल्टा डेल।
डन, ये सॉल्व भी हो गया। ये तो जो पॉइंट्स लिखे थे वो उसके अंदर जा रहे हैं, घर पे परेशानी नहीं होगी आपको। तो अभी ये नोटेशन फॉलो कीजिए डेल टी के। अच्छा, अब वो एग्ज़ाम में डिफरेंट नोटेशन आ जाएगी तो उसमें डरने वाली तो क्या ही बात है। मान लीजिए पार्टीशन टी नॉट से टी वन ना लेकर के उन्होंने दे दिया एक्स नॉट एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन, तो यहाँ पे आप डेल एक्स वन डेल एक्स टू डेल एक्स थ्री ले लीजिएगा और क्या होना है। ठीक है, बढ़िया। अब आइए ज़रा प्रेजेंट में। तो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। अब सारा का सारा काम किस पे करना है आपको, ध्यान दो भैया। ये आपका टी एन है, ये सब छोड़ो और ज़रा के एच सब इंटरवल पे अपना दिमाग कंसंट्रेट कीजिए। के एच सब इंटरवल, सारा पूरा कहानी इसी के ऊपर। ये जो आपका के एच सब इंटरवल, कंसिडर द के एच सब इंटरवल, ये तो लिख ही दिया है के एच के लिए। अब ज़रा आगे दो दो नोटेशन से, ये बड़ा एम हो गया छोटा एम हो गया, वोट इज़ कैपिटल एम एंड वोट इज़ स्मॉल एम। एक सुप्रीमम है एक इन्फिमम है, लेकिन पूरे इंटरवल पे नहीं, पूरे इंटरवल ए बी पे नहीं। ये पिक्चर देखिए ज़रा फॉलो करो। ये सॉल्व ऑफ यू देखिए, ऑन द होल इंटरवल, ऑन द होल इंटरवल, पूरे इंटरवल को अगर आप देखोगे द 0-4 को, तो ये आपका सुप्रीमम है। बट अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे इंटरवल 1-2 पे, 1-2 पे, ऑन 1-2 दिस इज द सुप्रीमम। टेल मी सुप्रीमम ऑन द इंटरवल, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन ऑन दिस इंटरवल एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, क्या ये दोनों सुप्रीमम सेम है? नहीं, अलग अलग है। तो ये आप प्लीज़ इसको समझो, ये डिफरेंट सब इंटरवल्स के ऊपर आपका ये डिफरेंट निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, सेम नहीं है। आपको बात समझ में आ गई ना? स्मॉल कैपिटल, पहले सब इंटरवल के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए भी बहुत काम करना है, डोंट वरी, सारा काम हो जाएगा। ज़रा साथ है ये, तो वॉट इज़ कैपिटल एम वन स्मॉल एम वन, वॉट इज़ कैपिटल एम टू स्मॉल एम टू, वॉट इज़ कैपिटल, भाई ये क्लासिक है, थोड़े कुछ समय के बाद आप भी यही बोलेंगे। डेल टी के क्या था? लेंथ ऑफ के एच सब इंटरवल। इस हिसाब से अगर आपसे डेल टी फोर बोले तो पहले ये बोलो लेंथ ऑफ फोर सब इंटरवल, फिर देखो वो फोर सब इंटरवल क्या है। सेम ईयर, दिस इज सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ द फंक्शन ऑन फर्स्ट सब इंटरवल, पहले सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन का सुप्रीमम। व्हाट इज दिस? सुप्रीमम इन्फिमम ऑन द सेकंड सब इंटरवल, लेकिन किसका सुप्रीमम? इन्फिमम फंक्शन का और किसका? अच्छा जी, बढ़िया। एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, ये ग्राफ है आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ऐसे देख लीजिए। क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, लिखना नहीं। हाँ जी, पार्टीशन लिया आपने, ये क्वेश्चन होगा अभी, इसलिए यू डोंट हैव टू राइट। जीरो हो गया, ये वन हो गया, दिस इज वन बाय टू, सॉरी दिस इज वन बाय टू, थोड़ा आगे पीछे हो गया अपना, देख लीजिएगा जी। आइए ज़रा एवरी वन, ये पहला सब इंटरवल आपका 0-3 है, 0-1/3 फर्स्ट सब इंटरवल है, देन आपका सब इंटरवल बना 1/3 से 1/2, लास्ट वाला सब इंटरवल बना 1/2 एंड 1। भाई इतनी समझदारी आप सब में होनी चाहिए। व्हाट इज कैपिटल एम वन एंड व्हाट इज स्मॉल एम, प्लीज सेंसिबल आंसर, हाँ सेंसिबल आंसर, डोंट बी अ फूल, इमोशनल फूल। इसी तरीके से व्हाट इज कैपिटल एम टू स्मॉल एम टू, सबको दिख ही रहे हैं, क्या चिंता वाली क्या बात है। कैपिटल एम थ्री स्मॉल एम थ्री, पहले बड़े को पकड़ते हैं, बड़े वाले को पकड़ते हैं, पहले सब इंटरवल पे फंक्शन का सुप्रीमम 1/3 पे आएगा, तो दिस इज एफ एट 1/3। भाई एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो वोट इज एफ 1/3, 1/3 चल जाएंगे ऐसे कैपिटल में ही है। हाँ जी, अगले वाले सब इंटरवल पे मैक्सिमम 1/2 पे आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं नहीं आ रहे भाई, लास्ट वाले में बताइए एफ वन। सभी महानुभावों को बात समझ में आ गई, अब इधर आ जाओ जरा स्मॉल, पहले वाले में छोटा हाइट 0, दैट इज एफ 0, अगले वाले में छोटा 1/3 एंड इसमें आपका है आपका एफ एट 1/2। इज इट क्लियर? ये तो दिख गया ना आप लोगों को,
तो प्लीज ये ध्यान रखना है क्या चीज है, कैपिटल एम स्मॉल एम क्या चीज है, ये क्लियर हो गया आप सबको? इस... तो ये पार्टीशन का नहीं है, क्या नहीं है? बिकॉज़ ये पार्टीशन ये क्लियर ऑर्डर में नहीं है। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, समझा नहीं मैं। नहीं वो पहले भी था, वो 1/4 दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है? नहीं है ना, तो ये तो लिया ही था, ये तो मैं कुछ और नहीं लिखा पूरे बोर्ड तो ऑब्वियसली बाय मिस्टेक लिख दी। ठीक है ना, मैं समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, अब इसके बाद है आपका, हाँ प्लीज, अपर एंड लोअर रीमान सम्स, ये पढ़ने के लिए आपको दो तीन चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको। हैं वॉट इज डेल टी के, यू नो वेरी वेल, लेंथ ऑफ द के एथ सब इंटरवल, वॉट इज कैपिटल एम के एंड वॉट इज स्मॉल एम के, पूरे इंटरवल पे बात नहीं करनी है, ये सिर्फ के एथ सब इंटरवल के ऊपर काम कर रहा है या के एथ सब इंटरवल से रिलेटेड है। अब ये क्या है और ये क्या है, प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल ही दे दिया जाता है, तो ज़रा ये प्रॉब्लम देखो, यू डोंट हैव टू राइट, प्लीज सी। देखिए वो 0, 1/3, 1/2 ही लिया था, तो चांस की बात है, वो 3 के बाद 4 आता ना दिमाग में, वही बैठा हुआ है। अपर एंड लोअर रीमान सम्स, यू एफ पी क्या चीज़ है, एल एफ पी क्या चीज़ है, आप यू अपर एल लोअर, यू एफ पी कुछ बुक्स में यू पी एफ भी लिखा होगा, आप कौन सा बुक पढ़ोगे तुम, ये पढ़ लो, यू एफ पी या यू पी एफ एक ही चीज़ है, लाइक वाइज एल एफ पी और एल पी एफ है क्या, इसको ज़रा आगे ओपन करिए, अभी डायग्रामेटिकली भी बात करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली बात कर लें। हाँ जी, पहला इसका टर्म है एम वन डेल टी वन, अगला टर्म क्या है माय डियर, एम टू डेल टी टू। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट बी इमोशनल फूल, आराम से जब अब तक सब समझ में आया आगे भी आएगा और ज़बरदस्त तरीके से आएगा, तुम चाह के भी इससे बच नहीं सकते, इस पर काम करते हैं। वॉट इज़ यू एफ पी एंड वॉट इज़ एल एफ पी, हाँ जी डायग्राम तो पीछे वाला ही बनेगा जो थोड़ी देर पहले बना के बताया गया था, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, पार्टीशन पॉइंट आप सबको दिख ही रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी आइए जरा यू एफ पी के बारे में बात करते हैं, वो फॉर्मूला आपके सामने है, दिस इज समेशन, ये लिखने के लिए, अब भाई यहाँ पे कितने हैं क्या हैं वो आपको देखना पड़ेगा, लेट मी राइट, फर्स्ट सब इंटरवल, सेकंड सब इंटरवल, 13 ही है ना, प्लस कैपिटल एम टू डेल टी टू, प्लस कैपिटल एम थ्री डेल टी थ्री, हाँ जी वॉट इज, भाई इधर साथ है ये, कोई बात नहीं, पहले वाले सब इंटरवल का लेंथ बताइए कितना आएगा, 1/3 - 0, हाँ थैंक यू वेरी मच, सब हो गया, पहले वाले इंटरवल के ऊपर मैक्सिमम किस पॉइंट पे आपका, 1/3, सो लेट मी राइट दैट थिंग, सो दिस इज एफ एट 1/3, आप सभी देख सकते हैं, इनटू इसका लेंथ है आपका 1/3 - 0, अगला कैपिटल एम टू, यहाँ इस पर सेकेंड सब इंटरवल पे हाइट मैक्सिमम क्या है, एफ वन बाई टू, और इसका सेकेंड सब इंटरवल का लेंथ 1/2 - 1/3, कोई बात नहीं, और लास्ट वाले में मैक्सिमम 1 पे, सो दिस इज एफ वन, यस, तो ये आपका टी नॉट हो गया, इधर ये आपका टी वन है, दिस इज टी टू एंड दिस इज टी थ्री, जो भी है व्हाटएवर द थिंग इज, हाँ जी एफ 1/3 इज 1/3 का स्क्वायर, वो कितना होता है भैया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें कि नहीं पता मुझे, हमने कर लीजिएगा, फाइनल आंसर निकाल लेना, कोई बात नहीं भैया, सबको क्लियर हो गया, हेलो यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एल एफ पी क्या चीज़ है, दिस इज समेशन स्मॉल एम के डेल टी के, इसमें टाइम लगाया जाएगा, आइए सर, पहला स्मॉल एम वन डेल टी वन, स्मॉल एम टू डेल टी टू, स्मॉल एम थ्री डेल टी थ्री, हाँ जी पहले सब इंटरवल पे स्मॉलेस्ट हाइट 0, सो मैं डायरेक्टली लिखते हैं हम, सेकेंड सब इंटरवल पे मिनिमम हाइट 1/3 का स्क्वायर, लास्ट सब इंटरवल पे मिनिमम हाइट 1/2 का स्क्वायर, दिस शुड बी क्लियर हो गया आपको, करिए ये लिखिए, ये अपर सम और लोअर सम, और फाइनल आंसर निकाल के आपस में मैच कर लीजिएगा,
अभी कुछ बच्चे अभी भी निकाल सकते हैं मान लो, निकालो अपर कितना है लोअर कितना है। आंसर 1/4 32। ये कैसा आंसर है? ठीक है ये भी ठीक है चल जाएगा। ये हो गया समझ में आ गया? यस स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी अगला आप करिए फटाफट। ये पार्टीशन लिया है हमने -3 4 का, इंटरवल अंडर कंसिडरेशन इज -3 से 4। हाँ जी UFP निकालो LFP निकालो जल्दी निकाल के दो। एक्स क्यूब का ग्राफ पता है ना आपको भाई? पिछला क्वेश्चन छोड़ दीजिए अगला कीजिए, लीव द प्रीवियस क्वेश्चन। इस बार भी 3 सब इंटरवल बन रहे हैं। फर्स्ट सब इंटरवल क्या है? -3 -1, नेक्स्ट -1 0, नेक्स्ट 0 4। प्लीज डू इट ऑल ऑफ यू।
अब आंसर अच्छा सा आना चाहिए। फोर्टीन ओके। पहले सब इंटरवल पे मैक्सिमम हाइट, पहले सब इंटरवल पे मैक्सिमम हाइट अपने में लगे हुए हैं आप लोग, तो यार इधर थोड़ा ध्यान लगाइए। देखिए ये सुप्रीमम नहीं है तो गड़बड़ है। माइनस वन पे इधर माइनस वन आएगा, माइनस थ्री पे माइनस 27 आएगा। अब आप बताओ माइनस वन ज्यादा या माइनस 27 ज्यादा? फिर वो माइनस वन आया ना, कुछ बच्चे माइनस थ्री, गड़बड़ है भाई बहुत। हाँ ध्यान रखिएगा। और इसका लेंथ आ गया आपका माइनस थ्री प्लस वन, सॉरी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सेकेंड सब इंटरवल पे मैक्सिमम जीरो 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 जीरो। थर्ड सब इंटरवल पे मैक्सिमम तो दिख रहा है आपको फोर का क्यूब, देखिए जरा कितना आएगा। तो दिस इज माइनस वन इंटू टू प्लस जीरो प्लस फोर पावर फोर, ज्यादा आएगा ये तो बहुत ज्यादा। माइनस फोर नहीं है वो प्लस फोर है, देखो ठीक तो है, ज्यादा आएगा ये तो। ये आ रहा है आप लोगों का 254 254। ओके टू फिफ्टी फोर ग्रेट। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आंसर देने के मूड में नहीं है, डांट खा के जाओगे। अर्शिया देवाशीष दिलीप मीनाक्षी रिदम सलोनी संजना ट्विंकल विमल कीर्ति जैनब आंसर निकालिए। दोनों का आंसर निकालिए प्लीज, बी सेंसिबल। सब कुछ आंखों के सामने, ग्राफ आंखों के सामने, सुप्रीम इन्फीम सिलेक्टिव सिलेक्ट कीजिए ठीक से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किधर हो भाई, कुछ कभी कुछ करके भी देंगे आप लोग। देवाशीष दिलीप मीनाक्षी रिदम अर्शिया सलोनी आर यू देयर, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो आंसर क्यों नहीं निकल रहा है? माइनस 55 एक बच्चे का मैसेज है। माइनस 55 यस। पहले वाले में आपका सुप्रीमम सॉरी इन्फिमम इन्फिमम माइनस 27। सो ये हो गया आपका माइनस थ्री का क्यूब इंटू माइनस वन माइनस माइनस थ्री प्लस सेकेंड सब इंटरवल में आपका मिनिमम हाइट माइनस वन एम थ्री उसमें मिनिमम जीरो, आगे तो कुछ करना ही नहीं है आपको। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके आंसर सुनने को तो मेरे कान तरस गए। मीनाक्षी जी आर यू देयर? मीनाक्षी यस सर। क्या आंसर है जी? सेम आया सर। तो पहले बताया क्यों नहीं आपने? संजना ट्विंकल सर बता दिया था दूसरी लड़की। अच्छा ओके, तो आप सारे आंसर सुनी को बताओ फिर। विमल कीर्ति आंसर कितना आया? सर माइनस 55 एंड 254। ग्रेट भाई, आप सबको अपर लोअर सम समझ में आ गया? चलिए ये तो दिख गया आपको, अब देखो बढ़िया वाला पिक्चर।
आप कोई भी पार्टीशन में, कोई भी फंक्शन में एलएफपी यूएफपी अपनी अब रुकेगा नहीं। चलिए, आपने मुश्किल वाली बाधा आराम से पार कर ली है। अब और आगे देखिए जरा, ये क्या चीज़ है। हाँ जी, जरा स्कूल का ज्योमेट्री याद करके बताइए तो कोई भी आप बता देगा। व्हाट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जल्दी बोलो भैया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हे प्रभु जवाब भी ऐसे देंगे। क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो? हाँ जी, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इन टू बी। देखिए जरा सामने देखिए प्लीज एवरीवन। भाई ये कुछ है, देखो ये प्रैक्टिकली आपको दिख भी जाएगा क्या चीज़ आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी आपने दो तीन क्वेश्चंस के माध्यम से कैलकुलेट करना तो सीख ही लिया, अब जरा साथ दीजिए नहीं तो बैंड बच जाएगा। तो अब ए की जगह टी नॉट लिख देते हैं और अगला सब इंटरवल आपने टी वन लिया। मैं बस दो दो लेके बताएंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे, और लास्ट वाला वो टी एन। आप सभी से रिक्वेस्ट है सब कुछ छोड़ के इधर ध्यान लगाएं। हाँ जी, लुक एट द फर्स्ट सब इंटरवल, एवरी वन लुक एट द फर्स्ट सब इंटरवल। ध्यान सारा का सारा पहले सब इंटरवल पर लगाया जाए। पहले सब इंटरवल में कैपिटल एम वन, तो दिस हाइट इज कैपिटल एम वन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। स्मॉल एम वन अलग कलर से दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो भी दिखा दिया जाएगा, डोंट वरी, तो भी दिखाया जाएगा। हाँ जी, कलर डिफरेंस तो दिख रहा है ना आप लोगों को, ट्राई कलर हो गया, ओके। अब जो ग्रीन में है उसके साथ, और जो आपका ऑरेंज में उसके साथ, ध्यान दीजिए भाई साफ साफ क्लियर कट डिफरेंस। ये हमने ग्रीन के साथ काम किया, ग्रीन वाला रेक्टेंगल। अब हम काम करेंगे ऑरेंज में, घर पे बैठ के और कर लीजिएगा, पहले सहारा तो लेते जाओ। क्या आप लोगों को दो रेक्टेंगल्स अलग अलग कलर के दिख रहे हैं? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत खुशी हुई आपके विचार जान के आप सबके। अब जरा याद कीजिए फटाफट से, ये जो नोटेशन बताई थी डेल टी के था लेंथ ऑफ द केथ सब इंटरवल, उस हिसाब से डेल टी वन क्या होगा, पहले सब इंटरवल का लेंथ। ओहो ओहो, इधर इधर इधर, लीव अपार्ट एवरीथिंग प्लीज, मेरे को मेरा पिक्चर नहीं खराब करना, नहीं करना, नहीं खराब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं खराब करना है। ग्रीन वाला कैपिटल एम वन था, और ये जो आपका ऑरेंज में लिखा है ये आपका स्मॉल एम वन था। भैया जो पूछा जाए ना उसका सेंसिबल जवाब दीजिएगा, ऑल ऑफ यू घर जाके आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रीन, अब ग्रीन क्या होता है, ग्रीन रेक्टेंगल और क्या, ग्रीन सर्कल पूछ रहे हैं आपसे। व्हाट इज एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल, अब वो भी नहीं निकलेगा क्या, बोलो जल्दी। विच एम वन, इसलिए शुरू में कैपिटल करके लिखवाया गया। भैया इसका एरिया हो गया आपका कैपिटल, यहाँ क्या आएगा, ओहो रोल हो थोड़ा सा, क्या यही काम दूसरे सब इंटरवल पे, ये क्या है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। भाई यू शुड सी प्रैक्टिकली, हाँ जी यू शुड सी प्रैक्टिकली, तो कुछ तो समझ में आएगा आपको हर बार। मतलब जैसे यहाँ ग्रीन बना है, अगले में भी बनेगा, तो यहाँ एक बार ग्रीन का एरिया ऐड कीजिए, एक बार ऑरेंज का, ऑब्वियसली ऊपर वाला सच में ही ऊपर है, अपर वाला सच में ही अपर है, एम आई राइट, वो तो ज्यादा आना ही है। ऑब्जर्वेशन, यूएफपी एलएफपी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यूएफपी फॉर ऑल पार्टीशन, कुछ भी लो तुम कुछ नहीं फर्क पड़ता, फॉर ऑल पार्टीशन। हाँ जी, खुशखबरी आप लोगों के लिए, ये जो आपने डायग्राम बनाया है ये तो सेम पार्टीशन, एक किसी पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए बनाया है। हाँ जी, दुख भरी खबर है या सुख भरी खबर है वो देखो देखो देखो, अब क्या डिफरेंट पार्टीशन। तो भाई अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग अपर सम लोअर सम कंपेयर करना है, भैया जरा ध्यान दीजिए इधर, ये तो थ्रिलिंग है। एल एफ पी वन को अगर आपको यू एफ पी वन के साथ कंपेयर करना है तो पक्का लेस आएगा, बट क्या आप इस तरह का कंपेरिजन यहाँ बता सकते हैं, अब तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ बता सकते हैं, ये याद कर लीजिए, किसी भी पार्टीशन का लोअर सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू किसी भी दूसरे पार्टीशन का अपर, हमेशा होता है भाई, कोई भी पार्टीशन लेके देख लीजिए, चलिए लिखिए। हाँ ऐसा होता है, सच में होता है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में ले आना ना कॉन्ट्रडिक्ट करके, क्या चिंता है, आपको तरीका तो बता ही दिया, आप जनरलाइज एनालाइज कर सकते हैं, आप डायग्राम बना बना के, क्या इशू है, व्हाट मोर यू वांट।
सो दीज आर एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स पर्टिकुलरली, ये भी वैसी, ये भी वैसी है. Then देखो भाई ये तो दिख गया आप लोग. यस प्लीज, नो टाइम फॉर झगड़ा. हाँ जी देखिए, यहाँ देखिए, छोड़िए. एल एफ पी लेस देन इक्वल टू यू एफ पी फॉर ऑल पार्टीशंस. डिफरेंट होंगे तो भी लोअर सम अपर सम आप कंपेयर कर सकते हैं. हाँ जी जरा ध्यान लगाओ इधर, आप कर तो लिए ही है, फटाफट से आंसर देंगे आप सभी लोग. भाई ये आपने 12th क्लास में पढ़ा था, पढ़ा था. देखो अभी नजर आएगा आपको, चलो वहीं दिखाते हैं. यस सिंपल ऑब्जर्वेशन विद ऑल ऑफ यू, सिंपल ऑब्जर्वेशन विद ऑल ऑफ यू. जरा याद कीजिए नॉर्म पी क्या होता है, मिनिमम या मैक्सिमम. पहला लेंथ, दूसरा लेंथ, तीसरा लेंथ, ठीक है पक्का. अच्छा जी चलिए यही बात करते हैं. ध्यान देना भाई इधर, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो सब मानसिक क्या कहते हैं बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, संतुलन. यस व्हाट विल हैपन टू दिस पार्टीशन एज एन गोज टू इंफिनिटी. ये हम तो एज अ रिसर्चर समझ सकते हैं कि अभी तो पार्टीशन में एन पॉइंट, एन प्लस वन पॉइंट्स हैं, तो जैसे एन गोज टू इंफिनिटी हो गया यानी. अच्छा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं. काहे चिंता करते हो. क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये तो आना चाहिए यार. मैक्सिमम ही जीरो, मैक्सिमम लेंथ ही जीरो. अगर मैक्सिमम लेंथ ही जीरो तो पास चले जाएंगे ना पॉइंट्स, यू नो व्हाट विल हैपन, यू शुड नो. तो ये रेक्टेंगल सिमट के एक लाइन ही बन जाएगा, फिर अगला भी सिमट के लाइन बन. ओ एरिया अंडर द कर्व, यू कैन सी, यू शुड सी. दिखता नहीं है, नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता. तो ये पहला है टी नॉट, और टी वन इतना, मतलब देखिए अभी टी वन इतना है तो साफ साफ आपको रेक्टेंगल में फर्क दिखेगा. अब टी वन और पास लिए और आप समझ गए ना, वो लाइन ही आएगी, तो अगला भी उसके पास आ गया, फिर अगली लाइन. एरिया अंडर द रेक्टेंगल आएगा, ये चीज़ आएगी, पढ़ेंगे आप लोग. खैर चलो अभी एक बार एनालिसिस और होगा एग्जाम से पहले, बताया था ना. ओके फाइन, नेक्स्ट थिंग. अभी आप लोगों ने अच्छे से अपर सम और लोअर सम समझ लिया. भाई ये जो आपको दिखाया गया है ये एक पार्टीशन के लिए, ये आप डिफरेंट पार्टीशंस के लिए भी अलग अलग फंक्शंस के साथ क्रिएट कर सकते हैं. नाउ द क्लासिकल डेफिनेशन, वी नाउ टेक, क्या लिखा है ऊपर, अलग अलग पार्टीशन लीजिए, पी वन के लिए, पी टू के लिए, पी थ्री के लिए, सबके लिए हो जाएगा. सो वी नाउ टेक डिफरेंट पार्टीशंस पी ऑफ ए बी एंड डिफाइन द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स एज. ये 12वीं क्लास की तरह इवेलुएट करने की कोशिश मत करना, ये साइन है खाली, दिस इज जस्ट अ सिंबल, ए टू बी बार या ए बार टू बी. और कुछ बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो अपर इंटीग्रल को उन्होंने यू एफ है, ये नोटेशन अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, अपर इंटीग्रल ऑफ एफ एंड दिस इज लोअर इंटीग्रल एल एफ. पढ़ोगे आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग, ये नोटेशन सबसे बढ़िया है, दिख रहा है सब सब अपर है लोअर. तो अपर में क्या करेंगे, लोअर में क्या करेंगे, हाँ जी अपर में करेंगे, कह रहे हैं अपर और ले रहे हैं इन्फिमम, कह रहे हैं लोअर और ले रहे हैं सुप्रीमम. तो आधी चीज तो वैसे ही याद हो गई आपको, अपर इंटीग्रल इज इन्फिमम किसका, अपर सम्स का, लोअर इंटीग्रल इज सुप्रीमम किसका, लोअर सम्स का. तो अब ओपन करके तो क्या ही बताएं आप लोगों को. हाँ जी अपर सम्स ले लीजिए डिफरेंट पार्टीशंस के लिए, यू पी वन एफ, यू पी टू एफ, यू पी थ्री एफ,
ये पूरा कलेक्शन नंबर ही आएगा ऑब्वियसली, आपने तो कैलकुलेट किया था ये, इस नंबर का ये जो भी नंबर्स आएंगे इन सबका एनफीएम लीजिए और जो भी आंसर है वो आपका अपर सम हो जाए। तो ये 12वीं क्लास की तरह नहीं इवेलुएट होगा, भी कराएंगे आप लोग, समझ में आ गया? ये याद कर लो फटाफट, जल्दी करो, क्योंकि अगला स्टेप इसके बाद होगा। अब तक 2-3-4 स्टेप्स आपने रखे हैं बड़ा मजबूती से, अब जो सामने है ये फाइनल डेफिनेशन देने वाला है, व्हाट इज अपर इंटीग्रल एंड व्हाट इज लोअर इंटीग्रल। देखिए प्रैक्टिकली पहले याद कीजिए फिर बात करते हैं, याद कीजिए पहले, देन आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। पीछे पीछे तो कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, आप इधर ध्यान लगाओ खाली, पीछे वाला सब पक्का हो गया। हाँ जी हो गया याद। अब देखो भाई प्रैक्टिकली ये तो कभी इवेल्यूएट हो ही नहीं सकता, ये कैसे इवेल्यूएट करेंगे आप? एक पार्टीशन के साथ काम कर लेंगे, दूसरे के साथ काम कर लेंगे, बट पार्टीशंस की गिनती तो कभी ख़त्म नहीं होनी है ना, प्रैक्टिकल चीज़ है। तो ये तो वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कभी इवेल्यूएट नहीं होगा, बट कुछ बढ़िया बढ़िया फंक्शंस में ये 100% इवेल्यूएट हो जाएगा। तो वो कौन से फंक्शंस होंगे? ओके ये सबको याद हो गया? Yes, online students, Arshia, Divashish, Dilip, Meenakshi, Ridham, Saloni, Sanjana. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Definition for all of you. Function is said to be Riemann integrable on AB if and only if upper integral equal to lower. इससे बढ़िया definition क्या होगी? क्या होगी इससे बढ़िया definition? किसी function का limit कब exist करता है? Left hand limit, right hand limit. कब integrable होगा? Lower integral, upper integral. इससे अच्छा definition ही नहीं हो सकता. द फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। अगर ये दोनों बराबर हैं देन दिस केस द कॉमन वैल्यू इज गिवन बाय दिस थिंग। चलिए यहाँ तक आपने आप आ गए, अब जरा ध्यान से सुनिए, नोटेशन देखिए, आप सबने किया है वेक्टर स्पेस में तो किया ही होगा। C01 याद है किसी को? C4 कॉन्टिन्यूअस ऑन 01 है, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन 01। तो इसी तरीके से रिमान इंटीग्रेबल, आर ए बी नोटेशन है भैया, कलेक्शन ऑफ ऑल है नोटेशन, रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन इंटरवल ए बी। प्लीज वेट फॉर अ सेकंड एवरीवन, C01, C02, CAB, यू कैन डिफाइन C01 में कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन 01, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन 02, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन AB। तो अगर आप ये बोल रहे हैं F बिलोंग कर रहा है C01 में, तो आप इमीडिएटली बोलते थे F इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 01, ऐसे ही था। सो देयरफॉर अगर आप ये बोलेंगे एफ बिलोंग्स टू आर ए बी तो क्या आएगा? वो जो वहाँ लिखा है, दिस इज एफ एन ओनली एस, यस यस, एफ इज आर आई, रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। फर्दर तो बाकी तो कहानी ही है, तो दिस इज एफ एन ओनली अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। भैया नोटेशन है और आपसे हमसे पूछ के तो पेपर नहीं बनेगा, तो नोटेशन का ध्यान रखिएगा। एफ इज सेट टू बी रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी की जगह अगर ये लिखा हुआ आ गया तो डरना जाना, लिखो।
डन यस ऑल ऑफ यू आओ भाई, आप और हम बात कर रहे हैं रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की, वही टॉपिक है। तो अगर आपको चाहिए एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, भैया जरा ध्यान से सुनना, सब हो जाएगा। ये अभी आपको बोलना है एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, मान लीजिए एग्जामिन करना है, आंखों से तो हो नहीं रहा। एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज इक्वल टू सेइंग अपर इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। अच्छा जी, अब अपर इंटीग्रल होता है इनफिमम ऑफ यू एफ पी। देखते रहिए, बहुत अच्छी कहानी है, साथ दिए हैं यहाँ तक, आगे भी दोगे, पर ये होता है आपका कुछ होता है। तो ये दोनों क्वांटिटीज बराबर आनी, कहाँ से बराबर आएंगी अगर डायग्राम ऐसे बनेगा तो? भाई आपको साफ साफ दिख रहा है ये ऑरेंज रेक्टेंगल में और ये ग्रीन रेक्टेंगल में तो फर्क है, डिफरेंस है एरिया में। ऐसे ही अगले में भी है, अगले में भी, अगले में भी है, तो ये तो सेम आने से रहे। तो कैन यू, ये सॉल्व यू, कैन यू प्रैक्टिकली थिंक ऑफ अ फंक्शन? आप सोच लेंगे, ऐसा फंक्शन सोचिए जिसमें रेक्टेंगल्स में फर्क ही ना है। कांस्टेंट फंक्शन, एवरी, लिखो जरा, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज रिमान इंटीग्रेबल। दिख रहा है रेक्टेंगल्स में फर्क ही नहीं आएगा, चिंता की क्या बात है? एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज रिमान इंटीग्रेबल। लो बस भीड़ आनी शुरू हो गई रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की। अभी ये करेंगे आप और हम, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज रिमान इंटीग्रेबल। और दूसरा देखिए, अभी आपको ये मतलब फोर्सिबली बोला गया ऐसा फंक्शन सोचने के लिए जिसमें रेक्टेंगल्स के एरिया में फर्क ना है, तो आपने सोच लिया कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब यहाँ खूब आप पार्टीशन लेते रहिए, ये भी करेंगे अभी आप और हम करेंगे, जो पार्टीशन जहाँ जैसे लेने लेते रहो ना, वहाँ लोअर रेक्टेंगल और ना अपर रेक्टेंगल किसी का एरिया में फर्क नहीं है, तो सब बराबर ही आएगा पक्का। हाँ जी, नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ फंक्शन जिसके लिए कभी बराबर ना है? एक मिनट, आप कहेंगे मैंने आपको बोला ऐसा फंक्शन सोचने के लिए जिसमें एरिया बराबर नहीं, यहाँ तो दिख रहे हैं, बट वो अपनी फंक्शन कैसे सोचोगे आप, और पार्टीशन कैसे लोगे? वो नहीं, ऐसे नहीं। तो अभी दिखाते हैं आपको, अब देखो पहला, इतना आइडिया तो आपको लग ही गया कि कैसे आप खतरे की घंटी बजा सकते हैं। हाँ जी, ये फंक्शन है डिरिचलेट फंक्शन, रियल में पढ़ा है हमने, 1-1 इफ एक्स इज रैशनल एंड इफ एक्स इज इरैशनल। भैया जरा ध्यान देना इधर, ये 1-1 की जगह 1, 0, 2, 3 एनी टू डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स विल वर्क। ये आपके हाथों से कराया जाएगा, बट आप जरा इधर ध्यान लगाइए। राइट नाउ यहाँ वी विल हैव टू डॉटेड लाइन, सपोज इंटरवल आपका 0, 1 है, तो रैशनल पॉइंट्स पे क्या बनेगा आपका 1, और इरैशनल पे क्या है आपका -1। तो साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, तो प्लस वाला एरिया माइनस वाले बराबर आएगा ही नहीं कभी। तो ये दो दो चीज़ें होंगी, एक तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा रीमान इंटीग्रेबल है, और दूसरा ये कभी भी रीमान इंटीग्रेबल। अभी काम करना है अगर आपको टॉपिक को समझना है तो। भाई हमारा टॉपिक है पूरा रीमान इंटीग्रेबिलिटी कैसे एग्जामिन किया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा, तो उसके लिए आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये इस्टेब्लिश करने के लिए बैक गियर लगाइए और पीछे का सारा, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ यहाँ जो कि अभी आपसे पूछा जाएगा। एवरीवन ध्यान दीजिए, मान लो आपको शो करना है एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दैट इज टू शो अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। किसी एक को पकड़ लो, दूसरा अपने आप बताएगा। हाँ जी, इसको पकड़ा अगर आप लोगों ने यहाँ, दैट इज टू शो ये जो है दिस इज इनफिमम ऑफ यू एफ पी वेयर पी वेरीज। हाँ जी, इसके लिए आपको यू एफ पी निकालना है। व्हाट इज यू एफ पी? समेशन कैपिटल एम के डेल टी के। हाँ जी, इसके लिए आपको कैपिटल एम के निकालना पड़ेगा, डेल टी के निकालना पड़ेगा। अरे ये सब चीज़ें तो तब आएंगी ना जब पहले पार्टीशन हो। मैंने आपको क्या बताया, समझने वाले समझ गए, जब कभी भी आपको रीमान इंटीग्रेबिलिटी एग्जामिन करना है तो यहाँ से शुरू करिए, पहले पार्टीशन लो, उसके बाद दोनों चीज़ें हो जाएंगी, साथ साथ चलेंगी। उसके बाद यू एफ पी हो जाएगा, देन इनफिमम सुप्रीमम हो जाएगा, देन ये उल्टा चलना है आपको। ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए?
यस ऑनलाइन महारथी लोग कभी किसी चीज में हाँ भी कह दिया करो टाइम पे। अर्शिया देवाशीष दिलीप रिदम। पहला क्वेश्चन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज रिमान इंटीग्रेबल। साथ दीजिए जरा, यहाँ कॉपी करना बंद कीजिए। इंटरवल लिया हमने 0 1, ए बी भी ले सकते थे तो पिक्चर तो क्या ही बनाए आपके लिए, तो बना देते। चलो साथ दीजिएगा, ये आपका अल्फा है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। हाँ जी, तो आपको रिमान इंटीग्रेबल शो करना है तो उसके लिए कोई एक आर्बिट्री पार्टीशन लीजिए। लैंग्वेज देखिए, लेट पी इक्वल टू टी नॉट टी वन अप टू टी एन बी एनी एनी पार्टीशन। भाई इधर ध्यान लगाओगे तभी काम होगा। पार्टीशन ऑफ 0 1। हाँ जी, देयर फोर वॉट वॉज कैपिटल एम के एंड वॉट वॉज स्मॉल एम के। जी, कैपिटल एम के का मतलब सुप्रीमम और स्मॉल एम के का मतलब इनफीमम। ये आपका टी नॉट है, ओके, ये आपका टी वन है, ये आपका टी, तुम कहीं भी कुछ भी लेते रहो क्या फर्क पड़ना है, अब तो बात समझ ही गए। हाँ जी, इस सब इंटरवल के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम हाइट बताइए क्या आएगा। सेम आएगा, कितना आएगा अल्फा, दिस इज अल्फा, दैट इज यू एफ पी। देखते जाओ इधर, घर पे बैठ के काम करना पड़ेगा आपको। कैपिटल एम के डेल टी के कौन बोल रहा है बीच में, एल एफ पी समेशन स्मॉल एम के डेल टी के। हाँ जी, यहाँ से स्मॉल एम के और कैपिटल एम के बाहर आ जाएगा, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो दिस विल बी अल्फा टाइम समेशन डेल टी के एंड दिस इज अल्फा टाइम समेशन डेल टी के। क्या होता है समेशन डेल टी के, बी माइनस है, तो यहाँ का बी माइनस है यानी 1 माइनस 0। यस, यहाँ का बी माइनस है यानी 1 माइनस 0। बढ़िया, अब ज़रा ठहरिए ज़रा ठहरिए ठहरिए ठहरिए। ये पार्टीशन लिया है आपने, इस पार्टीशन की जगह अगर ये पार्टीशन लेते तो भी सही बात है भाई। यहाँ ले लो आप एक्स के माइनस वन एक्स के, आप कोई भी सब इंटरवल कहीं भी लेते रहिए, हाइट तो सेम ही रहेगी। अरे बोलो भाई। सो यहाँ देखो क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा है ना एनी पार्टीशन, एनी बट अबव इज ट्रू फॉर ऑल पार्टीशंस, सो देयरफॉर देयरफॉर क्या आप क्या टेंशन है, आप अपर इंटीग्रल कैलकुलेट कीजिए। ए टू बी बार एफ, दिस इज इनफिमम ऑफ यू एफ पी वेयर पी वेरीज। हाँ जी, हर बार यू एफ पी कितना आएगा, अल्फा ही आएगा, अल्फा प्लस में बैठे हैं आप, सो इट इज इनफिमम ऑफ अल्फा फिर अल्फा फिर अल्फा। हाँ जी, क्या आंसर आया इसका, अल्फा। एंड लाइक वाइज ये एंड इधर लोअर इंटीग्रल वो क्या होता है एल एफ पी। यस माई डियर, एल एफ पी क्या आएगा हर बार, दैट इज अगेन अल्फा। हमने ग्राफ ही ऐसा लिया था, कुछ फर्क ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा था। लो अब देखिए जरा। हाँ जी, अपर इंटीग्रल अल्फा, लोअर इंटीग्रल फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। चलिए लिखिए फटाफट, ये ए टू बी बार नोटेशन इसलिए लिया, 0 to 1 बार, 0 to 1 बार इंटरवेल।
Yes, all of you done? Yes, online मार क्या बोले ना रुकने के लिए बोले चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम आओ भाई ये दो तीन अलग अलग वर्जन्स में करेंगे हम एफ एक्स लिया आपने डिरिचलेट फंक्शन 1-1 यस कॉपी करने की बजाय देखो पहले क्या हो रहा है पार्टीशन से शुरू करना है लेट पी इक्वल टू टी नॉट टी वन अप टू टी एन बी एनी पार्टीशन जीरो वन ले लेते हैं देयरफॉर कैपिटल एम के क्या है एंड स्मॉल एम के क्या है तो कैपिटल एम के सुप्रीमम है और ये आपका इन्फिमम है फंक्शन का कौन से सब इंटरवल पे के सब इंटरवल टी के माइनस वन टी के ये आपका टी के माइनस वन टी के मैक्सिमम हाइट कितना दिख रहा है आपको वन वह हर बार वन ही आएगा और मिनिमम आपको माइनस वन दिख रहा है तो सब इंटरवल पे मैक्सिमम वन और मिनिमम आपका माइनस वन हर बार यही होगा सो दिस इम्प्लाइज व्हाट इज यू एफ पी समेशन कैपिटल एम के डेल टी के कैपिटल एम के वन है इट इज वन समेशन डेल टी के दैट इज वन समेशन बी माइनस है तो ये तो वन आ गया भाई हाँ ये माइनस वन आएगा एल एफ पी इक्वल टू समेशन स्मॉल एम के डेल टी के ये माइनस वन बाहर आ गया इट इज माइनस वन इंटू वन माइनस जीरो दिस इज माइनस वन हाँ जी अब फिर वही लाइन जो पहले लिखी थी इज इट ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टीशन या वैलिड फॉर एवरी पार्टीशन कोई भी पार्टीशन का सब इंटरवल यहाँ लो तो भी वही वन माइनस वन आएगा इधर लीजिए सब इंटर सेम आएगा तो दिस इज वैलिड फॉर ऑल पार्टीशन Therefore, हाँ जी इनफिमम ऑफ वन 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 बोलो वन एंड एल सॉरी सुप्रीमम ऑफ माइनस वन माइनस वन माइनस वन सो दैट इज माइनस वन मैचिंग नहीं नहीं तो मिसमैच हो गया तो करिए नहीं है ना रीमन इंटीग्रेबल नहीं है तो आपने ग्राफ ही ऐसा ले लिया था
डन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया। चलिए ये करिए, ये देख के, ये जैसे भी करिए, जरा डायग्राम बनाइए पहले। तो ये अगर समझ में नहीं आया तो भाई, ये जो है दिस इज फंक्शन एट रैशनल पॉइंट्स, है ना। और ये क्या चीज है, फंक्शन एट इरेशनल पॉइंट्स। इस बार रैशनल इरेशनल पे कितना हाइट दिया है, दो चार। ये तो यहाँ तो तुरंत हो ही जाएगा, कुछ आप करो ना, बोर्ड पे तो हो ही जाएगा सब। डू डू एक टू आएगा, एक थ्री आएगा, इंटरवल 0-1 लीजिए, है ना। 2-3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2-4 2-4 2-4। इक्वल नहीं आएगा। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सच में ऑनलाइन ही बन के बैठे हो तुम लोग तो, किसी चीज़ का आंसर नहीं देना, कुछ नहीं। अर्शिया, दिबशी, दिलीप, रिदम, सलोनी, संजना, ट्विंकल, विमल, कीर्ति, जनब, कितना कितना आया आंसर, ये आ जाएगा आपका 4 एंड वो 2 एट सेम, बिल्कुल एक जैसे ही है। ओके नेक्स्ट थिंग, तो वी हैव सम आइडिया, strong idea about Riemann integrability. आगे लिखिए, algebra, yes, algebra of Riemann integrable functions. Algebra of Riemann integrable functions. Algebra of Riemann integrable functions. शुरू करने से पहले भाई ये observation है, लिखना चाहो लिख लेना, पहले देखिए, देखिए तो सही, सब लिख ही लेंगे। Yes, you can answer, you can answer, you will. अरे भाई आप निकाल रहे हो ना कैपिटल एम के स्मॉल एम के, वो तो बाउंडेड फंक्शन में निकलेगा, तो पहले से बाउंडेड तो लेना ही पड़ेगा। हमने वो जो कहानी लिखी थी, जो स्टोरी लिखी थी, उसमें फंक्शन पहले से बाउंडेड लिया गया है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा आपका। ये देखो, नहीं तो फिर ये सब आएगा कहाँ से अगर अनबाउंडेड लेके बैठ देंगे तो एवरी रीमन इंटीग्रल फंक्शन इज नेचुरली बाउंडेड, ये तो होता ही है। दूसरा, अरे डिरिचलेट फंक्शन का एग्जांपल तो दिया अभी, अभी तो दिया था f(1-1), दिस इज बाउंडेड बट नॉट रीमन इंटीग्रेबल। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो एवरी, यस एवरी रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन इज नेचुरली बाउंडेड, वो होना ही है, बाउंडेड लेना ही पड़ेगा आप।
ये बहुत अच्छा है, मीठा, इंटरेस्टिंग. यस, यू कैन कॉपी इफ यू वांट टू. वही सब है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, स्केलर, मल्टीपल. ओके यस ऑल ऑफ यू, ये आगे बढ़ने से पहले देखिए भाई, ये वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा. आपको ये बोला गया था कि जब जब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर होता है तो उसका कॉमन वैल्यू यानी इंटीग्रल. हाँ जी, ये कांस्टेंट फंक्शन वाले में कोई मेरे को बताएगा इसका इंटीग्रल क्या आना चाहिए था? व्हाट इज 0 to 1 है, तो दैट इज 0 to 1 अल्फा. तो इसका आंसर तो अल्फा आना चाहिए था. देखो अल्फा आ रहा है, ये ना अल्फा ही आ रहा है सच में, उनका कॉमन वैल्यू. अच्छा जी, तो विद दिस एक चीज़ दिमाग में रखिए क्या, कि कोई भी फंक्शन अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो उसका इंटीग्रल विल एग्जिस्ट, इंटीग्रल विल एग्जिस्ट, इंटीग्रल शुड एग्जिस्ट. तो ये सारे फंक्शंस रीमन इंटीग्रेबल हैं. इफ टू फंक्शंस आर रीमन इंटीग्रेबल, सो देयर सम डिफरेंस, स्केलर, मल्टीपल, वो सब चीज़ें तो ठीक हैं. अब इंटीग्रेबल होने के साथ है तो उसका इंटीग्रल, ये है आपका 12वीं क्लास का इंटीग्रल. व्हाट इज इंटीग्रल एफ प्लस जी? इंटीग्रल एफ प्लस इंटीग्रल जी किसकी वजह से? इसकी वजह से. आपको थोड़ा ना पता था कि वजह यहाँ आएगी. हाँ जी, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ अल्फा टाइम्स एफ? जैसे अगर आगे 3 times fx लिखा हो तो 3 बार निकालते हो या नहीं निकालते? ये रहा रिजल्ट. सो दिस इज अल्फा टाइम्स इंटीग्रल एफ. ओके, प्रोडक्ट का कुछ नहीं है, ये मॉडुलस का. भाई ये दिस इज ऑब्वियस, दिस इज ऑब्वियस, बट जो अगला है दैट इज नॉट ऑब्वियस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. देन पहला, मॉड एफ इज रीमन इंटीग्रेबल. नंबर टू, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस? ये इसका डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, तो इसमें सेकेंड वाले पार्ट को देखो जरा ध्यान से. यहाँ कोई स्टैट्स का जुड़ा हुआ है जो स्टैट्स का भी एग्जाम लेगा? है कोई? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इंटीग्रल यहाँ इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इसमें इक्वल नहीं आता है. मॉड ऑफ एन इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल इंटीग्रल ऑफ मॉड, याद रखना इसको जो बोला जा रहा है. मॉड ऑफ एन इंटीग्रल, मॉड ऑफ एन इंटीग्रल, अगर आपको मॉड अंदर लेके जाना है तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड. ये इधर, हियर वी हैव इक्वालिटी, इक्वालिटी, बट यहाँ आपका लेस देन इक्वल टू. ऐसा क्यों है? अब उसकी डिटेल में तो क्या ही जाए. तो अभी आपको प्रोडक्ट का इंटीग्रल नहीं बताएंगे, बताएंगे बताएंगे, काहे चिंता करते, सब बताएंगे.
नंबर सिक्स पे आइए, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ टू इंटीग्रेबल फंक्शन इंटीग्रेबल। तो एक बार बच्चे से पूछ लिया, पूछते हैं कि भाई मैक्सिमम क्यों इंटीग्रेबल है और मिनिमम क्यों इंटीग्रेबल है, मतलब कौन कौन से रिजल्ट्स यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम का इंटीग्रेबिलिटी अप्रूव करेंगे, तो वो भी कर ही लेते हैं। किसी को याद है मैक्सिमम ए बी मॉड्यूलस? तो वहां पे ना बोलना पड़ता है आपको कि फिर मैक्सिमम एम जी का क्या फॉर्मूला आएगा, एफ प्लस जी, हाँ जी, मॉड में एफ माइनस जी डिवाइड बाई टू। अब भैया मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ, थोड़ा देखिए बिकॉज आपको तो ढंग से करना ही पड़ेगा। प्लीज सी, अगर आपके एफ और जी दोनों रीमान इंटीग्रेबल हैं, तो बारी बारी से वन बाई वन चलते हैं, पहले सम लो और डिफरेंस लो। दिस इम्प्लाइज एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी, उसके बाद मॉडुलस प्लस पे तो लगाना नहीं है, तो इसको प्लस को तो एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ मॉडुलस लगा दीजिए, होगा डेफिनेटली होगा। उसके बाद सम कर दीजिए एफ प्लस जी प्लस मॉड में एफ माइनस जी, एंड उसके बाद पूरी क्वांटिटी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब आप प्रैक्टिकली क्योंकि आप पहले से जुड़े हुए हैं हमसे, तो आप समझ सकते हैं कौन कौन से रिजल्ट्स या कौन कौन से थ्योरम्स यहाँ यूज़ हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, सो मैनी थिंग्स आर देयर। अभी लिख लेना अपना। तो पहले वाले में क्या है भैया? यस, यहाँ से यहाँ सम एंड डिफरेंस, सम थ्योरम एंड डिफरेंस थ्योरम। वैसे तो इंटरव्यू में ये बोलना ही काफ़ी है, बट फिर आप कह देंगे कि सर सम थ्योरम डिफरेंस थ्योरम ये थ्योरम वो सब कुछ है। यहाँ पर ये आ गया आपका, देन मॉड्यूलस थ्योरम, अगेन सम थ्योरम, अपना तो कुछ है नहीं इसका। यस, स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल, तो राइट नाउ अपने इसका इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल डन, इंटीग्रल डन, इंटीग्रल डन, यहाँ का इंटीग्रल पे क्वेश्चन मार्क है, और इसका तो ऊपर वाले ही बताएगा क्या है इंटीग्रल, हमें नहीं पता, बट इंटीग्रेबल प्रूव हो जाता है। लिख लीजिए सर भाई, ये है इस पूरे चार्ट में, इस पूरे चार्ट में फिफ्थ वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर फाइव। और मैथमेटिक्स की अलग अलग ब्रांचेस में ये चीज़ यूज़ होगी। क्या बोला था यहाँ पे? मॉडुलस ऑफ एन इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड, वैसे ही लिख लो, मॉड ऑफ एन इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। मॉड ऑफ एन इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। डन, हाँ जी, ये होगा या नहीं होगा जरा फटाफट से आंसर करें। बोलिए नहीं, यही एफ जी को बराबर ले लो, एफ और जी प्रोडक्ट थ्योरम, एफ जी इक्वल जी, तो ये तो ट्रू है। अच्छा, ऐसा होगा या नहीं होगा? इसमें तो चक्कर है, वही डिरिचलेट फंक्शन, उसका स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, है ना, वन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है नहीं। और यही चीज़ आप यहाँ भी लगा सकते हैं, देखिए अभी आपने नोटिस किया एफ से मॉड एफ आ जाएगा, बट मॉड एफ से एफ नहीं आएगा। अगेन विच फंक्शन? डिरिचलेट फंक्शन, वन माइनस वन, इनको करके दिखाओ, लो देखो
आंसर नहीं देते आप लोग कभी भी, एफ एक्स वन माइनस वन, एक्स रैशनल, एक्स इरैशनल, जो भी आपको इंटरवल लेना है, क्लोज इंटरवल। हाँ जी, जैसे मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया ना, कांस्टेंट फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल, तो मॉड एफ एस रिमेन इंटीग्रेबल, लेकिन एफ तो नहीं है, तो कन्वर्स ऑफ मॉडुलस थ्योरम इज नॉट ट्रू। अभी सबकी बात करेंगे, अभी सबकी तारीफों में शब्द बोले जाएंगे। लिखिए, एफ से एफ स्क्वायर आएगा, एफ स्क्वायर से एफ नहीं आएगा, एफ से मॉड एफ इंटीग्रेबल हो जाएगा, बट मॉड एफ से एफ नहीं होगा। कोई भी टॉपिक आपको पूरा करना है, कुछ भी, एक भी क्लास नहीं छोड़नी है, सब गड़बड़ हो जाता है। डन, क्या कह रहे हैं, गलत लिख दिया, समझा नहीं आपके बात। अच्छा, पिछला पेज थी नहीं, अगला सी ना। ऐसे ही मिनिमम के लिए भी लिख लीजिएगा। डन, अब ये जरा यहाँ बात करें, यस स्टूडेंट्स, देखो भाई, पहला फर्स्ट, एफ एन जी आर रिमेन इंटीग्रेबल, दिस इंप्लाइज सम इज रिमेन इंटीग्रेबल। हाँ जी, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एफ प्लस जी इज आर आई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके पास है, रुको, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, इसका या तो देख ही लिया आपने, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, सी इज नॉट ट्रू। हाँ जी, इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू, स्केलर में तो अल्फा को थोड़ी हो, उसकी जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ इसका भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, जरा साथ आइए। हाँ जी, ऐसा फंक्शन एफ जी सोचना है जो सम अप करने पे तो इंटीग्रेबल हो जाए, लेकिन वैसे अदरवाइज ना हो। हाँ, ये लो, एफ को ले लो वन माइनस वन, एक्स रैशनल, एक्स इरैशनल, और जी को क्या लेंगे, अपोजिट। मान भी जाइए, जल्दी बताइए सम क्या आएगा। So therefore, f plus g becomes zero, constant function. Every constant function is Riemann integrable. So आपको मिल गया example. ठीक है, ऐसे difference में same ले लीजिए. Difference theorem का converse is not true.
अभी ऊपर आपने देखा सम थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, अब देखो डिफरेंस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, एफ और जी को ले लो बराबर, तो भी इनका डिफरेंस क्या आएगा महानुभावों कुछ बोलो, सो देयरफॉर एफ माइनस जी जीरो, अब समझ गए मेरी बात ठीक है ना, जल्दी करो, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, डिफरेंस तक तो हो गया, कन्वर्स ऑफ सम थ्योरम नॉट ट्रू, डिफरेंस थ्योरम नॉट ट्रू, मॉडुलस थ्योरम नॉट ट्रू, इस प्रोडक्ट वाले में भी सेम ले लीजिए, व्हाट इज एफ जी, इसका प्रोडक्ट इसके साथ वन वन वन, इसका प्रोडक्ट इसी के साथ वन आएगा ना, तो कांस्टेंट वही होगा ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हो गया, माइनस वन आएगा, वन ही आएगा ना, चलिए करिए इसको, आप सबको चाहिए पहले थोड़ा सा ट्राई करें, सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा आपको, प्लीज ट्राई, डू समथिंग, एनीथिंग एनीथिंग, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग,
कुछ करो, मतलब ऐसे ट्राई करो रैंडमली। हाँ जी, कहाँ तक पहुँची गाड़ी? नहीं हो रहा। देखिए, पहले दोनों पार्ट्स आपके तब होंगे जब बाद वाले दोनों पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। पहले ये क्लियर करते हैं। इफ़ द फंक्शन इज़ नॉन नेगेटिव, व्हाट अबाउट द इंटीग्रल? इफ़ द फंक्शन इज़ नॉन पॉजिटिव, व्हाट अबाउट द इंटीग्रल? देखिए ज़रा इधर एवरी वन, ये पकड़िए पहले, तब तो जाके निकलेगा कुछ। ये पूरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन कैसे दिया हुआ है? अबव एक्स एक्सिस ऊपर दिया हुआ है। वो जो भी ग्राफ बनेगा ऐसे बने, वैसे जैसे भी बने, अबव एक्स एक्सिस बनेगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब आपको शो करना है जो इंटीग्रल है दैट इज नॉन नेगेटिव। भैया जरा ध्यान देखो, ध्यान से देखो। लेट पी इक्वल टू टी नॉट टू टी एन बी एनी पार्टीशन। हाँ जी, हाँ जी, एनी पार्टीशन। जरा ध्यान देंगे इधर। देयर फोर जो कैपिटल एम के आपको बताया गया वो क्या होता है? इन्फिमम या सुप्रीमम ऑन के सब इंटरवल। बहुत ध्यान से देखिए, ये जब तक आप नहीं करेंगे आपसे उस तरह का क्वेश्चन नहीं होंगे। ये आएंगे आप सभी लोग। तो ये है आपका kth सब इंटरवल टी के माइनस वन टी के। कीपिंग इन माइंड कि भाई फंक्शन तो नॉन नेगेटिव है, ऊपर कहीं होगा कैसे भी होगा। जब फंक्शन नॉन नेगेटिव पूरे इंटरवल ए बी पे है तो यहाँ भी नॉन नेगेटिव रहेगा। अगर यहाँ सारी हाइट्स नॉन नेगेटिव है तो सुप्रीमम भी नॉन नेगेटिव है। सो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इज इट ओके? लाइन समझ में आ गई? हाँ जी, ये कैपिटल एम के का मतलब कैपिटल एम वन, कैपिटल एम टू, कैपिटल एम थ्री सारे नॉन नेगेटिव है भैया। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर ऑल के लिख दीजिए। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज व्हाट इज यू? ओके, लेट मी राइट। कैपिटल एम के को मल्टीप्लाई किया आपने डेल्टा के, मल्टीप्लाई क्यों किया ये नहीं पूछना, क्यों किया आपको नहीं पूछना चाहिए ये सब। समेशन ले लीजिए, समेशन कैपिटल एम के डेल्टा के, दैट इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। अब यहाँ फॉर ऑल के नहीं आएगा बिकॉज के तो यहाँ चला गया। अभी क्या चीज होता है? ओहो, तो यूएफपी है। ये क्या लिखा है? एनी एनी मतलब ठीक है ना, इट्स ट्रू फॉर ऑल पी। तो दिस इंप्लाइज सबका इन्फिमम बताइए नॉन नेगेटिव। तो यूएफपी वेयर पी वेरीज इज नॉन नेगेटिव।
बट ये इन्फिमम तो अपर इंटीग्रल होता है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, अगर ये अपर इंटीग्रल होता है तो वो अपर इंटीग्रल लास्ट लाइन में इंटीग्रल में कैसे चेंज हो गया? ऊपर ऊपर टॉप टॉप एफ इज एफ अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो उसका अपर इंटीग्रल इंटीग्रल, उसका लोअर इंटीग्रल इंटीग्रल। भाई अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ सी, राइट हैंड लिमिट यू नो करिए। अब ये क्या पता है आपको इस क्वेश्चन में, जैसा फंक्शन वैसे वैसा इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव का इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव ही आएगा। हाँ जी जरा यहाँ बताइए, आपको तो कॉपी कर ढंग से कर लेना। लेस देन इक्वल टू जीरो होता तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो आता, यू नो व्हाट। तो जैसा फंक्शन का साइन है वैसे इंटीग्रल, तो कमाल की चीज़ हो गई भाई। ये रुको जरा, थर्ड ट्रू है या नहीं है ये, इसको करना पड़ेगा ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं होगा। फोर्थ भी ट्रू है। अब बात करते हैं पहले, वैसे मेरे को यहाँ लेस लिखना चाहिए था बट जानबूझ के किया है, तो लिख देते हैं चलिए ना। हाँ जी पहले वाले पे आओ जरा। यस एवरीवन, अगर आपका एफ ग्रेटर इक्वल टू जी दिया हुआ है तो दिस इम्प्लाइज एफ माइनस जी कैसे दिया है, बस पिछला रिजल्ट लगे, पिछला ये वाला लगाइए ना। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। भाई प्रूव किया हमने, और डिफरेंस का इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस। सो दिस इज ए टू बी एफ माइनस ए टू बी जी। लो भाई तो कमाल ही हो गया। सो दिस इम्प्लाइज जैसे फंक्शन वैसे ही इंटीग्रल देके जाएंगे, लेस हैं एक दूसरे से तो लेस, ग्रेटर हैं तो ग्रेटर। तो ये भी ट्रू है और आपका ये भी ट्रू है। अब तो आपको ढंग से काम करना पड़ेगा, चलो करो। दो चार आर्टिकल्स के ही प्रूफ कराए जाएंगे आपको, बट वो उसको बिल्कुल चूस लेना अच्छे से, उस पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर करना तो सब चाहिए बट सब करके क्या क्या करेंगे आप। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू देयर? यस संजना आप अभी आए हैं? संजना नहीं सर, स्टार्टिंग से। अच्छा आप तो दिखे ही नहीं। तो मैंने तो टीशा का रिप्लाई भी दिया था। ओहो मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा था। चलिए गुड। ये यस स्टूडेंट्स, भाई देखिए इन दोनों में फ़र्क है या नहीं है, प्लीज़ टेल मी। है फ़र्क, तो ऐसा होने में और ऐसा होने में बहुत फ़र्क है। जिनके लिए नहीं है भैया क्या पढ़ेंगे फिर आप। तो इसमें डिफरेंस है प्लीज़, ये रिजल्ट्स पॉजिटिव के लिए नहीं है या नेगेटिव के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव के लिए, these results are not for positive, strictly positive and strictly negative. उसमें कुछ और होगा, वो दिखाएंगे आपको बाद में। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी strict inequality नहीं है, मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया गया होता फिर नहीं भाई, फिर अभी नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते right now। ये हो गया।
Yes, Twinkle, are you there? Yes, sir. Twinkle, ये second last step से last step कैसे आया? बोलो, पहले white pen था, अब red pen. Riemann integrable, Riemann integrable. हाँ, good, good. Function is Riemann integrable. हाँ जी, अब जरा यहाँ आइए आप सभी लोग. ये इसको कर लीजिएगा. अब क्या करना है सर, प्रूफ हो तो गया, सब हो गया. पी एक पार्टीशन है, जरा स्मॉल एम के याद कीजिए क्या होता था. इनफिमम ऑन के सब इंटरवल. भाई फंक्शन तो नॉन नेगेटिव दिया है, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम भी नॉन नेगेटिव ही आएगा. आएगा सेंस मीन्स लिख दीजिएगा. तो दिस इम्प्लाइज स्मॉल एम के डेल टी के नॉन नेगेटिव. दिस इम्प्लाइज सम स्मॉल एम के डेल टी के इज ग्रेटर दैन इक्वल जीरो. दिस इम्प्लाइज एल इज नॉन नेगेटिव बट इट इज ट्रू फॉर ऑल पार्टीशंस. यस, अब क्या करेंगे, सुप्रीमम लेंगे. सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी क्या होता है भैया, अपर या लोअर? तो दिस इम्प्लाइज लोअर इंटीग्रल. अब ये नहीं कि प्रूफ आपने याद ही कर लिया बिल्कुल, बस टस से मस नहीं होना है. लोअर इंटीग्रल की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल. वाई? बिकॉज फंक्शन इज इंटीग्रेबल गिवन ना, तो लोअर इंटीग्रल भी इंटीग्रल ही होगा और अपर इंटीग्रल भी इंटीग्रल ही होगा. चलिए बढ़िया, नेक्स्ट. यहाँ से यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन मार्क. यस, क्या आप पहले क्वेश्चन मार्क का आंसर दे सकते हैं? पहले में क्या लिखना है, पहले वाले में थर्ड आर्टिकल ये है ना, थर्ड थर्ड. अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो, है ना, ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो इसका इंटीग्रल भी नॉन नेगेटिव होगा यूजिंग थ्री, अभी किया था. और ये सेकंड वाले क्वेश्चन मार्क का क्या, डिफरेंस थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम इज सफिशिएंट. Yes, ready for next. चलिए आगे लिखिए. हाँ जी, क्लियर है ना, आगे लिखिए जरा. नहीं नहीं यही चल रहा है भाई, यही चल रहा है. क्लास ऑफ रीमन इंटीग्रल फंक्शंस, क्लास. लिखते जाओ. नंबर वन, every monotonic function is Riemann integrable. ऊपर लिख दीजिए most important. मतलब ये class का मतलब class है, ये exam में काम आएगा आपको कि किस तरह का function हमेशा Riemann integrable हो जाता है. पहले लिखो, every monotonic function is Riemann integrable. every monotonic function is Riemann integrable. मोनोटॉनिक में दोनों चीज़ें आ गई, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग भी आ गया, डिक्रीजिंग भी आ गया. बढ़िया भाई, सारे इंक्रीजिंग फंक्शन, सारे डिक्रीजिंग फंक्शन. यहाँ तो कॉन्टिन्यूटी की जरूरत भी नहीं है. ये फंक्शन कैसे है, हाँ जी, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. चलो बढ़िया, आगे लिखो. नहीं, एक मिनट आगे जाने से पहले, हाँ जी, व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग फंक्शन? Integrable, this is increasing.
इंटीग्रेबल दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट ये अभी वाला इस पर नहीं लगा सकते आप, समझ रहे हैं? देखिए ये जो रिजल्ट लिखवाए गए ऑन द बिहाफ ऑफ दैट रिजल्ट, दिस इज रीमन इंटीग्रेबल, दिस इज रीमन इंटीग्रेबल, बट ये मैं रॉन्ग नहीं कह रहा इसको, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पिछले रिजल्ट नहीं लगेगा। तो अगला लिखो नेक्स्ट, ये पहले वाले में ऐड करके लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस ये दोनों फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल पहले वाले में, वाई? बिकॉज दे आर मोनोटोनिक, दे आर मोनोटोनिक। अच्छा यहाँ तक करके आइएगा। यानी व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, जो भी बच्चे ने ज्वाइन किया उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो पढ़ा ही होगा, ऐसे बनता है ना, लाइक दिस, दिस इंक्रीजिंग, दिस इज रीमन इंटीग्रेबल, और कोई भी इंटरवल ले लीजिए, दिस इज रीमन इंटीग्रेबल बिकॉज ये इंक्रीजिंग है। हाँ जी रुको, आपने इसके इंटीग्रल भी किए हैं जब इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा था तब, तो इसी वजह से किया था। ये इंक्रीजिंग है यानी मोनोटोनिक है, देयरफॉर ये रीमन इंटीग्रेबल है, तो इसका इंटीग्रल हर हाल में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो पहले वाले रिजल्ट से तो ये तीनों हो गए इंटीग्रेबल, कोई भी इंटरवल ले लीजिए। नेक्स्ट आगे लिखिए, एवरी, आगे लिखो, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। भाई यहाँ जो भी रिजल्ट आपको बताया जा रहा है दैट इज ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, है ना, क्लोज इंटरवल ए बी पे डिपेंड होता है इंटीग्रेबिलिटी, रीमन इंटीग्रेबल। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। ये तो कमाल ही होगी, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन उठाओ रीमन इंटीग्रेबल, कमाल है। सारे पॉलिनोमियल, सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारे लॉग फंक्शन, सब तो कॉन्टिन्यूस ही हैं, दुनिया भर के रीमन इंटीग्रल फंक्शन मिल गए। आप आगे लिखिए नंबर थ्री, भाई अब के बाद जो कुछ है ना वो अब कॉन्टिन्यूटी को के ऊपर बेस्ड है, जो कुछ होगा अभी, बहुत ध्यान से सुनिए। तो आपको पहला बताया गया था एवरी वन, फर्स्ट वन वॉज मोनोटोनिक एम्प्लाइज रीमन इंटीग्रेबल, यस भैया कहानी सुनो। नंबर टू, ना इधर अभी बीच में नहीं, कॉन्टिन्यूस इम्प्लाइज रीमन इंटीग्रेबल, यस। नंबर थ्री, व्हाट अबाउट अ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस, तो क्या होगा? ये इम्प्लाइज है खाली, दिस इज नॉट इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, ऐसे नहीं है, तो कन्वर्स का नहीं कह सकते आप, तो डिसकॉन्टिन्यूस के लिए तो बहुत ही गजब चीज है। लिखो, इफ F has, if F has only finitely many points of discontinuity, if F has only finitely many points of discontinuities, then also it is Riemann integrable. भाई underline कर लीजिए, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, really really dangerous. If F has finitely many points of discontinuities, then also it is Riemann integrable. Can you believe this? क्या बोल रहे हैं, फंक्शन के पास कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होने चाहिए? ओके, देखिए जरा यहाँ, दिस इज ए, दिस इज बी, हाँ जी आई एम आस्किंग, अरे देखो बाबा क्या ये फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, इज दिस फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल, यस इंक्रीजिंग मोनोटोनिक, अभी भी नहीं देख रहे, इज दिस फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल, यस डिक्रीजिंग मोनोटोनिक, हाँ जी इज दिस फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल, ये तो मोनोटोनिक कॉन्टिन्यूस, continuous, this is Riemann integrable, and is this function Riemann integrable, aise fir upar fir niche, this is also, kitne points pe break ho rahe hain, do points pe break ho rahe hain na, ek point ye ho gaya aapka, ye bhi Riemann integrable hai, to abhi wala underline kar liya aapne, matlab agar koi function break ho raha hai, discontinuity carry kar raha hai, to bas uske points of discontinuity calculate kar lijiye kitne hain, agar wo finite hai, matlab finitely many points pe ब्रेक हो रहा है तो भी रीमन इंटीग्रेबल होगा। ओके, नंबर थ्री, ये तीन चीजें हो गई। नंबर फोर, जी व्हाट इज द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, अब फिर फंस गए,
क्या करेंगे जस हाँ तो क्या करेंगे तब रीमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा वो देखो पहले यहाँ ये स्टूडेंट्स भाई ये आगे भी काम आएगी ये नोटेशन एफ फंक्शन है आपका तो ए ले लीजिए ए या ए एफ ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज जैसे ये जो आपके सामने लिखा है हाँ जी ये जो फंक्शन एफ है अभी क्या आएगा ये किन किन पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है भैया पी एन क्यू पे ब्रेक हो रहा है यस बताइए जरा 1 2 3 ये तीन पॉइंट्स हो गए बढ़िया तो जरा ध्यान देंगे इधर इस वाले केस में अब भाई ये मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है यही हुआ अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक फाइनाइट सेट है तो ओके अब हम बात करेंगे इसकी व्हाट इफ ए एफ इज इनफाइनाइट तो आपको क्या करना है तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो ये करिए लिमिट पॉइंट्स फाइंड करिए इसके फाइंड डिराइव्ड सेट जिसने पढ़ा है ठीक है या इसी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स भाई ए एफ तो वैसे लिख दिया तो इस बार इसका आपको डिराइव्ड सेट निकालना पड़ेगा डिराइव्ड सेट है नहीं अच्छा लग रहा तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स निकाल लीजिए हाँ जी अगर ये आपका फाइनाइट है इफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज फाइनाइट मतलब फाइनाइटली मैंने लिमिट पॉइंट्स लेके बैठा है तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा और ये कहानी जैसे बोली गई है ना वैसे ही आपके श्रीमुख से सुननी है अभी आज नहीं सुनाओगे तो कल सुनाओगे ये कहानी सुनो जरा एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल नंबर टू एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन को ब्रेक करा दीजिए अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन कैन ऑल्सो बी रीमान इंटीग्रेबल क्या क्या करना पड़ेगा पहले चेक करिए कितने पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूस है इफ इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स काम करो इफ इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स तो क्या करना पड़ेगा वो सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी लो और उसका लिमिट पॉइंट निकालो अगर उसके फाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा अच्छा अगर डी ए इनफाइनाइट हो गया तो फिर आगे चलेंगे ना आगे चलेंगे फिर यहाँ तक करके आइएगा आप सभी लोग इसमें अभी और चीजें जुड़ेंगी Yes, all of you. So I think आज के लिए ना काफ़ी है इसको अगर आपको सक्सेस चाहिए रीमान इंटीग्रेबल में इंटीग्रेबिलिटी में तो भाई यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा वो वाला काम नहीं करना है कि क्लास जोश जोश में शुरू की और एंड आते आते आप तो हो गया यही सबसे इंपॉर्टेंट है भैया ये नेक्स्ट क्लास में आपका बैंड बजा के रख देगा मतलब ये जो चीज़ है ना इसके भी आप पे सारे क्वेश्चन होंगे सब कुछ इसके भी आप पे होगा तो ये तो आपको एज इट इज़ बोलना पड़ेगा जैसे आपको अभी बताया गया कि किन केसेस में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है या हो सकता है पूरा ऐसे ही एज इट इज समझ में आ गया आप लोगों को ऑनलाइन स्टूडेंट
चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।